आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टर और कास्ट के बारे में, या फिर हम बोलेंगे वहाँ पर स्लेब, क्योंकि हमें कुछ टर्म का यूज़ करना है। क्योंकि आप लोगों के कई कमेंट्स हैं कि सर हमें चोट लगी, चोट लगने के बाद मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, उन्होंने हमें 7 दिन का कच्चा प्लास्टर कर दिया। उसके बाद में कुछ लोगों के ये कमेंट थे कि सर मुझे 1 महीने का पक्का प्लास्टर किया गया है। फ्रेंड, आप लोगों में जितने भी कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल, अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ एंड न्यूट्रिशनिस्ट, यू कैन से 3 in 1, लास्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो होती है, जो कि आपको मिलती हुई रहेगी। फ्रेंड, शुरू करते हैं प्लास्टर और कास्ट। फ्रेंड, जबकि आपके चोट लगती है या आपके फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत से जैसे कि हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में जैसे आपकी मसल भी हो सकती है, आपका लिगामेंट भी हो सकता है, आपका टेंडन भी हो सकता है। इंजरी के बाद में वहाँ पर पेन, स्वेलिंग, इस तरह का ना कॉमन सी बात हो जाती है। क्योंकि जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हो तो वो सबसे पहले आपका एक्सरे करा लेते हैं, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको फ्रैक्चर है या फिर आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वाली समस्या है, और कॉम्प्लिकेशन कितने हैं, जैसे कि पेन कितना बना हुआ है, वहाँ पे टेंडरनेस कितनी है, उसके अलावा स्वेलिंग कितनी है। तो उन सभी को देखते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन ये डिसाइड करते हैं कि आपको स्लेब चढ़ाया जाए या फिर आपको प्लास्टर चढ़ाया जाए। फ्रेंड, आप लोगों के कई कमेंट्स रहे हैं जिन्होंने, बहुत से लोगों ने ये कमेंट किए कि सर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे कच्चा प्लास्टर चढ़ाया। फ्रेंड, जब भी आपकी चोट लगी, चोट लगने के बाद जैसे मैं बता चुका हूँ, वो सारा उसका असेसमेंट करते हुए आपके लिए डिसीजन लिया उन्होंने। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि आपको चढ़ाया कच्चा प्लास्टर, वो भी 7 डेज का। फ्रेंड, जो कि हमारा जो कच्चा प्लास्टर रहता है, जिसे हम ऑर्थोपेडिक मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्लेब, स्लेब का लगाना। तो यहाँ पर स्लेब आपकी किस तरह से लगती है, माना कि जैसे कि आपका एल्बो जॉइंट के आपके नियरेस्ट में आपके चोट लगी। अब हो सकता है वो एक्सरे तो आपको पता चल ही चुके हैं कि एक्सरे में आपके फ्रैक्चर है या नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टॉकिंग लगाई जाती है, उसके बाद में जो कॉटन होती है, कॉटन को रेप कर दिया जाता है, उसके बाद जो स्लेब रहती है, जो कि हमारा मिलकर बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, यानी POP, वो स्लेब जैसे कि यहाँ से लेकर उन्होंने यहाँ तक लगा दी गई। उसको लगाने के बाद जो बैंडेज रहती है, बैंडेज को ऊपर से रेप कर दिया जाता है। इस तरह से हैंड आपका इमोबिलाइज हो जाता है, जो कि एक आपका रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है, जिससे आपका जैसे कि एल्बो का मूवमेंट है वो आपका रुक जाता है, और वहाँ पर जो आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उसको भी हील करने का अच्छी तरह से मौका मिल जाता है, और जो आपके जैसे कि वहाँ पर स्वेलिंग बनना रहता है, तो स्वेलिंग बनना, क्योंकि यहाँ पर यूँ मान के चले आपके कभी कभी 7 डेज, कभी कभी 24 आवर्स से 48 आवर्स तक भी वहाँ पर स्वेलिंग बनती है, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी वेराइटी ऑफ इंजरी किस तरह की रही। तो उस सूजन को खत्म करने के लिए, स्वेलिंग को खत्म करने के लिए आपको कच्चे प्लास्टर के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड, यह तो हो चुका आपका कच्चा प्लास्टर। फ्रेंड, कभी कभी जैसे कि आपके 7 डेज हो चुके हैं, अब 7 डेज को आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को अगर लगता है कि यार इसे अगर आगे और रेस्टिंग पोजिशन की जरूरत है, तो वहाँ पर पक्का प्लास्टर भी कर दिया जाता है। पक्का प्लास्टर यानी जो आपका हाफ सरकम था, हाफ सरकम को हमने बोला कच्चा प्लास्टर, जो कि हमने स्लेब के रूप में लिया। अब इसे कंप्लीट, जो कि आपका पार्ट है, इसको कंप्लीट रेप करते हुए पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है, जो कि आपका एक तरह से फुल सरकम हो जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं पक्का प्लास्टर। फ्रेंड, कभी कभी यहाँ पर आपकी सर्जरी के बाद भी आपको कच्चा प्लास्टर चढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको पक्का प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर हमने बात करी जैसे कि प्लास्टर और कच्चे प्लास्टर के बारे में। फ्रेंड, जो हम प्लास्टर है, जिसे हमने बोला कास्ट, तो कास्ट यहाँ पर दो तरह से कास्ट होते हैं, एक तो होता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और एक होता है सिंथेटिक, जो कि फाइबर का होता है, जिसे हम आम भाषा में एक इम्पोर्टेंट कास्ट भी। फ्रेंड, जो हमारा यहाँ पर सिंथेटिक कास्ट होता है या फिर फाइबर वाला जो कास्ट होता है, वो फ्रेंड POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में काफ़ी हल्का होता है और जल्दी ही सूख जाता है, यानी कुछ घंटे में वो ठीक तरह से सूख जाता है, और आपके जो हार्ट फ्रैक्चर पार्ट है उसको भी इमोबिलाइज कर देता है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि सीवर, जैसे कि आपका सीवर फ्रैक्चर था, तो उसमें भी कभी कभी आपको 7 डेज का कच्चा प्लास्टर, उसके बाद में पक्का प्लास्टर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग अगर ज़्यादा है तो उस समय डिसीजन लिया जाता है। हालांकि आपको तो वहाँ तो जरूरत थी पक्के प्लास्टर की, लेकिन वहाँ पर आपके स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ पर आपको कच्चा प्लास्टर किया गया।
फिर जैसे ही आपकी स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है उसके बाद में आपको पक्का प्लास्टर किया जाएगा, जो कि आपका पीओपी का भी हो सकता है या फिर सिंथेटिक जिसे हमने फाइबर कास्ट बोला वो भी हो सकता है। और फ्रैक्चर साइड को देखते हो डॉक्टर आपको ये एडवाइस करते हैं कि आपको कास्ट एक महीने का रखना है या डेढ़ महीने का रखना है, जो कि आपके डिपेंड करता है फ्रैक्चर साइड के ऊपर। फ्रेंड ये तो था हमारा कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर के बारे में। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, उसका अलावा आपके कोई भी कमेंट्स है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड आप लोग कहीं आप लोग जानकारी भी लेना चाहें तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जिसके आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होगी, उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और उससे आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।